हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी रॉबिन और आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माउंटेन बॉय रॉबिन में। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे और व्लॉग ना आने का रीज़न था मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा था और पेपर भी चल रहे थे, तो इस वजह से व्लॉग शूट करने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो चलिए फिर चलते हैं आज दिल्ली से बाहर। एक्चुअली दिल्ली से बाहर पठानकोट में मेरी दीदी रहती है, तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। और वैसे पठानकोट में नहीं है, मैं पठानकोट से थोड़ा आगे कन्नूपुर एक जगह है, मतलब हिमाचल के अंदर आ जाता है वो। पठानकोट और हिमाचल का जो बॉर्डर है वहाँ जाना है मैंने। तो चलिए चलते हैं और मेरे साथ सफ़र का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए और हम चलेंगे बाय ट्रेन सीधे दिल्ली से पठानकोट। फिर पठानकोट से थोड़ा आगे जाना है, तो जर्नी में जो भी होगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बने रहना मेरे साथ व्लॉग में। और फिलहाल मैंने जाना है ये पैकिंग करने के बाद सरोजनी नगर मार्केट, थोड़ा बहुत सामान लेने, देन उसके बाद चलते हैं सीधे रेलवे स्टेशन और फिर सफर का आनंद लेते हैं, ठीक है। पहुंच गया सरोजनी नगर और यहाँ देखिए कितना बढ़िया बढ़िया आइटम है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं सरोजनी नगर मार्केट में हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है अभी। ये देखिए 200 के लोअर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा आइटम लेडीजों का ही है, हर जगह। बस कहीं कहीं मिलेगा आपको जेंट्स का, बॉयज का, बाकी सब लेडीजों का। मैंने तो एक शर्ट और एक शूज ले लिया। तो चलते हैं आप सीधे घर की ओर और देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है इधर पे। अभी भी लोग आते जा रहे हैं इतनी गर्मी में, सोचो। तो कभी भी दिल्ली आओ और सरोजनी नगर विजिट ज़रूर करना, ठीक है। तो सरोजनी नगर आके कुछ इस भीड़ का सामना करना पड़ता है और यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम है जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है इधर। कपल का वो छोड़वा दिया मैंने, आप कुछ ऐसा आइटम मिल रहा है यहाँ पे। ये देखिए बहुत प्यारा प्यारा आइटम है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम आ रखे हैं, तो आप ले सकते हैं यहाँ। तो गाइस फाइनली अब मैं दिल्ली से जा रहा हूँ पठानकोट की ओर और ये रहा मेरा बैग और मम्मी ने मेरे लिए थोड़ा कुछ डिनर में दे रखा और मेरी रात की ट्रेन है 11 बजे की। तो चलिए चलते हैं सीधे ट्रेन पे, मिलते हैं आप लोग को रेलवे स्टेशन में। तो चलिए, और कुछ ऐसी पूजा वूजा हो रही है। ये मेरी सिस्टर है। बाय पल्लवी, बाय अंजलि, जा रहा हूँ मैं। तो चलिए फिर चलते हैं, अब सीधे मिलते हैं रेलवे स्टेशन। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ घर से और मेरा दोस्त आ रहा है मेरे को रेलवे स्टेशन छोड़ने, मतलब आधे रास्ते तक छोड़ने। तो कहाँ तक छोड़ेगा तू मेरे को? जी इसके साथ तो कहीं भी छोड़ दूँ। तो ये रहा मेरा बैग और चलते हैं सीधे अब रेलवे स्टेशन की ओर। चलते हैं, कम ऑन, लेट्स गो। अब इसकी होंडा साइन में चलते हैं, एकदम होंडा साइन में साइन करते हुए। ये हाईकोर्ट तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं रेलवे स्टेशन। तो चलिए पहले प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। मैं पहुंच तो चुका हूं रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में सही वाले। तो चलिए
लौटते हैं अपना घूमी, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोग को, ठीक है। ट्रेन आ चुकी है, S7 है। तो ये मम्मी ने कुछ मेरे लिए खाना दिया है, मतलब डिनर के तौर पे, तो चलिए इसको खा लो। चटनी है, पाँच बज चुके हैं और हम पहुंच गए लुधियाना। हाँ, बहुत ही गर्मी हो रही है यार अब यहाँ पे। लुधियाना पहुँचते ही बारिश हो चुका है स्वागत। ये देखिए सुबह सुबह 5 बजे बारिश, मौसम बहुत तगड़ा हो गया। अभी तक गर्मी लग रही थी, अब सही हो गया। लुधियाना पहुँचते ही बारिश से हो चुका है स्वागत। ये देखिए बहुत तगड़ा मौसम हो गया। अलग ही फील आ रही है इधर, ऐसी जगह पर ट्रेन से सफ़र अपना अलग ही मजा है। तो पहुंच चुका हूं मैं ये रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, इस वजह से मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूं। और ये देखिए अब मैं पहुंच चुका हूं रेलवे स्टेशन से बाहर की ओर। यहां से मैंने कर लिया ऑटो, जो कि मेरे को यहां आते ही फटका लग चुका है 550 रुपये का। 550 रुपये में ये ऑटो है वहां जसूर तक, तो वहां जाना है मैंने। तो देखते हैं, चलते हैं और कैसी लोकेशन है, क्या है, सब आपको आगे पता चल जाएगा। चलिए फिर चलते हैं आप सीधे, ये पठानकोट की मार्केट है, इससे निकलते हैं आगे, देन उसके बाद पहुंच जाएंगे जहां दीदी रहती है वहां, ठीक है। तो आगे मिलते हैं। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पठानकोट। पठानकोट में एक जगह है जसूर ना, जसूर पठानकोट से थोड़ा आगे है, मतलब 10-15 किलोमीटर आगे। तो वहां पे हम अभी, यहां पे दीदी रहती है तो मैं यहां पे दीदी के पास आ रहा हूं। तो ये है मेरी भांजियां, ये है, इसका नाम है सृष्टि जिसको मैं बानी बोलता हूँ, और इसका नाम है सानवी जिसको मैं सही बोलता हूँ। ये देखो, हाय करो सब, दोनों हाय करो। हाँ हाँ, कुछ व्लॉग में ये भी होगी। अब ये तो छोटी सी है, छोटी सी टुपका, छोटा था। तो चलिए फिर हम आपको अब यहाँ, हाँ यहाँ अब एक्सप्लोर कराएंगे बढ़िया से, बहुत बढ़िया। पहाड़ वहाड़ भी दिख रहे हैं यार यहाँ तो, वो देखिए ये पहाड़ वहाड़ भी दिख रहे हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोग को, यहाँ देखिए, ये देखिए पैरट,
वाह, चलिए फिर अब बने रहना मेरे साथ, अब से मेरे पास दो कंटेंट है ये देखिए, तो रोज इनको दिखाएंगे हम आप लोग आपको। और चलिए फिर, कुछ ऐसी लोकेशन है यहाँ पे, यहाँ से देखो, यहाँ कुछ ऐसा है।